सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बन्ना गुप्ता जी, हेमंत सोरेन कहाँ है, पहला सवाल तो ये, आपको कोई जानकारी है क्या? जी जी नमस्ते जी। हेमंत सोरेन जी को जब ईडी ने नोटिस दिया है, उन्होंने जवाब भेजा है कि 31 तारीख को समय सीमा के अंदर वो ईडी के सभी सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित होंगे। अभी कहाँ है सर, तो मेरा सवाल सीधा सा था कि आपको कोई जानकारी है, आप तो सरकार में मंत्री हैं, कोई जानकारी है कि हैं कहाँ? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड में ही हैं और हर झारखंडी के दिल में भी हैं और पूरी तरीके से सुरक्षित भी हैं, ठीक से हैं, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ झारखंड में है? आप ये एक नेशनल चैनल पर कह रहे हैं बन्ना गुप्ता जी, इस वक्त ईडी की नहीं सर एक मिनट, झारखंड में है आप, ये कॉन्फिडेंट है आप ये बातें कह रहे हैं एक नेशनल टेलीविजन पर? ईडी की टीम खोज रही है, पूरा देश जानना चाहता है कि इस वक्त कहाँ है, तो क्या वो झारखंड में है? नहीं, खोजने की क्या जरूरत है, वो भगोड़ा है क्या कि खोजने की जरूरत है सर? 24 घंटे से कुछ जानकारी नहीं है, सीएम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने खुद ही जो है ईडी को ये कर दिया, जवाब भेज दिया है कि वो उनके समय सीमा के अंदर उनसे मिलेंगे, तो इसमें फिर खोजने की क्या बात? झारखंड में है ना सर, आप ये कह रहे हैं ना, वो झारखंड में मौजूद है, कोई उन पर कोई एफआईआर झारखंड में वो मौजूद है सर? बिल्कुल है, झारखंड में है इस वक्त जी। तो मीडिया से कब मुखातिब होंगे और ये बताएंगे, क्योंकि ये खबर तो पिछले 24 घंटे से चल रही है कि हेमंत सोरेन है कहां? मीडिया यदि अपना एक नैरेटिव सेट करेगा तो उसमें क्या, किसने क्या नैरेटिव सेट किया सर, क्या दोष है, किसने क्या नैरेटिव सेट किया? वो एक पद पर बैठे हैं, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये सरकार जो है ये चुनी हुई सरकार है, इसको अपदस्थ करने की योजनाएं हैं। हाँ, ये मीडिया नैरेटिव सेट कर रहा है सर। सवाल मेरा क्या था, एक संवैधानिक पद पर कोई बैठा है बन्ना गुप्ता जी, देखिए आपको खुद हंसी आ रही है क्योंकि आप जवाब ऐसा दे रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर राज्य का मुखिया है सर, मुझे बताइए ना, क्या उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया? दिल्ली जब आए इस बात की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं थी, उनके अधिकारियों को नहीं थी, दिल्ली आवास पे मौजूद होते लेकिन दिल्ली आवास पर भी मौजूद नहीं है, चार्टर्ड प्लेन उनका दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद है, बीएमडब्ल्यू कार मौजूद है और वो गायब है, आप कह रहे हैं वो झारखंड में ही मौजूद है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक चीज बताइए कि क्या मुख्यमंत्री हो जाने से क्या निजी जीवन भी खत्म हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, निजी जीवन खत्म हो जाएगा? अरे आदमी, आप ये कोई उन पर कोई मुकदमा हो गया है कि कोई वारंट है कि वो भाग रहे हैं, जब उन्होंने बोल दिया है कि हम 31 तारीख को जवाब देंगे तो देंगे, फिर इसमें ये बट क्या है सर? ये तो 31 तारीख को ईडी को जवाब देने की बात हुई है, क्योंकि ईडी की टीम दिल्ली आवास पहुंची थी, वो मौजूद नहीं है, पिछले 24 घंटे से कोई जानकारी किसी को नहीं है, स्टेट एजेंसी को नहीं है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हैं? आप ये बता रहे हैं कि वो झारखंड में ही मौजूद है और क्या वो मीडिया से मुखातिब होंगे? वो कहीं भाग नहीं रहे, हम भी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या वो सामने आएंगे? कोई मीडिया से भागने की बात ही नहीं है, वो होंगे और सारी बातों को रखा जाएगा और मजबूती से रखा जाएगा। हम लोग झारखंड के लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, कोई ये बात नहीं कह रहा है सर, लेकिन मेरा बस यही सवाल है, क्या वो मीडिया के सामने आएंगे? और आप ये कह रहे हैं कि वो झारखंड जी, समय जब समय होगा तो आ जाएंगे, इसमें कहाँ ही पट है, यानी आज 30 जनवरी? अच्छा, कोई वारंट है क्या, बताइए ना, आप बताइए ना सर। ये मैं तो कह ही नहीं रही, मेरी बात सुने ना, किसी न्यायालय ने उनके खिलाफ में कोई वारंट निर्गत किया है? यदि वारंट निर्गत है और गिरफ्तारी की बात है, वारंट निर्गत है, तो आप बताइए, यदि ऐसा कोई वारंट है जिसके चक्कर में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, तो बताइए, आपके पास यदि किसी न्यायालय का कोई सक्षम न्यायालय का कोई वारंट है तो बताइए सर। वारंट की बात तो मैंने एक बार भी नहीं कही, क्या बात होगी सर, वारंट की बात भी नहीं कही, ना भागने का शब्द मैंने इस्तेमाल किया, मैंने बोला आपने कहा झारखंड में मौजूद है, तो क्या वो सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे मैडम, बिल्कुल आएंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए, आएंगे सारे सवालों का जवाब। तो क्या वो 31 जनवरी को ही सामने आएंगे? हाँ बिल्कुल, वो आएंगे और अपना जो है ईडी को सारी बात बताएंगे, तो जो उनके सवाल होंगे, उसकी जो भी उनके पास जो तथ्य है उनको रखेंगे। बन्ना गुप्ता जी, 31 जनवरी को आप कह रहे हैं कि वो ईडी की टीम को सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है सर, उस प्रोटोकॉल को उन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे?
अब देखिए इसके बारे में तो भाई मैं उनका सुरक्षा अधिकारी तो हूँ नहीं कि वो अब क्या उनके प्रोटोकॉल में जो लोग संदर्भ में होंगे, जो अधिकारी होंगे वो बेहतर बताएंगे। अब इस संबंध में तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। सर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको चिंता नहीं हो रही है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं? तो मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं, मैं तो चिंता कह रही हूँ सर कि आपके मुख्यमंत्री कहाँ हैं, वो ठीक है? क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित है, कोई इसमें इब्बत नहीं है, सारी चीजें ठीक है। यानी आपको पता है कि वो कहाँ है, आपको पता है वो कहाँ है, इसीलिए आप जानते हैं कि वो सुरक्षित है? अरे तो नहीं, क्या बोले हैं, असुरक्षित है आपके बोलने से मैं ऐसा बोल दूं? तो सर अगर आप ये श्योर हैं कि वो कहाँ पर है और वो सुरक्षित हैं, तो ये खबर भी वो देख रहे होंगे, अगर वो टाइम्स नाउ भारत अभी देख रहे हैं, क्योंकि तमाम जो एजेंसियां हैं वो ढूंढ रही हैं और वो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री जो राज्य का है वो सुरक्षित रहे। तो सामने आके अगर वो खुद बता पाए कि वो हैं कहाँ, कहाँ थे, प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया, तो ये बहुत अच्छी होगी। बन्ना गुप्ता, ये कि कोई चीज जो है हर रणनीति को क्या सार्वजनिक कर दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि कोई रणनीति के माध्यम से यदि कोई सक्षम न्यायालय ने यदि वारंट निर्गत किया होता और तब आप तो आप कह रहे हैं कि ये रणनीति हो सकती है सर, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक प्रोटोकॉल से बंधा हुआ होता है। बन्ना गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। यहाँ पर बन्ना गुप्ता जी का साफ तौर पर यह कहना है